हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर हॉलीडेज़। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डन अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टुडेज़ अवर टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटे? सबसे पहली बात तो चाहे यूनिफॉर्म मोशन है चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये दो वर्ड से बने हैं, यूनिफॉर्म प्लस मोशन। मतलब हर एक दोनों में मोशन तो होगा, मतलब बॉडी डिस्टेंस मूव करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। जैसे व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स, मतलब बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब बात आती है यूनिफॉर्म से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगी, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स या बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट करके एक फाइनल पोजीशन पे पहुंचने में जो टाइम लगता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो चीज़ हो रही है, वो मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे उसको कि वो यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास आइडियली क्या है कि मेरे को कलायत से कैथल जाना है। ठीक है, मेरे पास 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है सपोज करो। अब इस 24 किलोमीटर को मेरे पास टाइम लगता है, मान लो मैंने कहा कि मेरे को 40 मिनट्स लगते हैं, तो मैंने ये दे दिया कि इक्वल डिस्टेंस 24 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए मेरे को अगर 40 मिनट्स लग रहे हैं जो आइडियली है, तो उसको मैं बोलूँगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। जिस भी चीज़ में मैं आ रहा हूँ, चाहे मैं बस में आ रहा हूँ चाहे मैं कार में आ रहा हूँ, तो वो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चल रहा हूँ। अगर उसी को मान लो 40 मिनट्स में मैंने उस 24 किलोमीटर की बजाय 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 करा या ज़्यादा भी कर दिया, तो टाइम रेंज उसी में क्या हो गया कि मैंने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उसका रीज़न नहीं मैटर करता कि मान लो ट्रैफिक ज़्यादा थी या कोई एक्सीडेंट हुआ था। बात समझ में आई? तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका जो है आप ग्राफ भी देख सकते हो। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कॉन्स्टेंट मोशन है, तो इसीलिए इसका लाइन ग्राफ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। देखो मतलब स्पीड के साथ डिस्टेंस वेरी कर रहा है, जैसे स्पीड है डिस्टेंस भी वैसे ही, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखोगे तो स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आइदर वो इस साइड से होगा लेफ्ट साइड की तरफ से या राइट हैंड साइड मतलब ऊपर से, क्योंकि वो बस ये है वो यूनिफॉर्म नहीं दिखाना। यूनिफॉर्म मतलब कि वो स्ट्रेट नहीं दिखाना। ठीक है, जो कर्व्ड है ये इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो आगे चीजें आएंगी, एक्सेलरेटेड कैसे किस कैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व्ड होगा। बात समझ में आई? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यही एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरीके के मोशन हम कंसीडर करते हैं, एक है एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा है डी एक्सेलरेटेड मोशन। वो मोशन जिसमें बॉडी जो है, मोशन जो है बॉडी का वो इंक्रीज करता है टाइम के साथ,
मतलब कि मैंने जो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस की बात करी थी कलायत टू कैथल, तो उसमें मैं अपने टाइम लिमिट से क्या पहुंच जाऊं ज्यादा पहले, उसको बोल देंगे एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, जब मोशन जो है टाइम के साथ डिक्रीज होगा उसको क्या बोलेंगे हम कि वो मोशन डी एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बाय में टाइम, उसको बोलते हैं हम स्पीड। कि किसी भी चीज़ को की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे होगी, अगर मुझे स्पीड अपने व्हीकल की कैलकुलेट करनी है कि मुझे मैं कितनी स्पीड है मेरे व्हीकल की, तो मैं कैसे करूँगा कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मेरे को कितना टाइम लगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और किस में 10 सेकंड्स में, ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या आएगी 50 बाय में 10 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से हम स्पीड को क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम सिर्फ स्पीड को ही नहीं कैलकुलेट कर सकते बल्कि डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, कितनी स्पीड से बॉडी मूव कर रही है मल्टीप्लाई बाय में टाइम टेकन, ओके। और ऐसा ही यूनिट जो है स्पीड की वो क्या होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की देखो क्या होती है मीटर होती है, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड आ गई बेटे, स्पीड की आ गई, ओके। उसके बाद अगर कहता है कि अगर बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जब भी आ जाए वर्ड ये याद आना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंसिस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन देयर विल बी अ कॉन्स्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। वही बात आ गई कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ना कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगी। कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड से, तभी तो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करेगी ना, ठीक है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी मतलब स्पीड भी क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म होगी। देखो इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैव डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट द मोशन ऑफ द सच बॉडी। जब कहीं पे स्पीड बढ़ रही है कहीं पे घट रही है तभी तो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आई बात समझ में, उसके बाद हमारे पास आता है कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड से क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने 4-5 गाड़ियां सीधा कलायत से भेज दी कैथल को, तो कोई किसी को कुछ टाइम लग रहा है, किसी को कुछ टाइम लग रहा है। सपोज करो किसी में ऑब्स्टेकल नहीं आई, कोई बस नहीं आई मतलब कोई ट्रैफिक नहीं आया तो वो जल्दी पहुंच गया, कुछ ट्रैफिक की वजह से 5 मिनट लेट हो गया, कोई 2 मिनट लेट हो गया, तो एवरेज स्पीड क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ बाय में टोटल एवरेज टाइम कितना लगा उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर में हमारे पास क्या है कि किलोमीटर पर आर, अगर मान लो आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हो और टाइम आर में दिया हो तो उसको कन्वर्ट कैसे करोगे मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो हमें पता है कि किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं
1000 मीटर होते हैं, और हार में, हार को पहले मिनट में करोगे और मिनट को किस में करोगे, सेकंड। तो 1 आर को मिनट में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और मिनट को सेकंड में करोगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय में 60 मल्टीप्लाई 60 दैट इज इक्वल टू क्या, 5/18। तो कभी भी कोई भी क्वांटिटी आपको दी हुई हो उसको क्या करते हैं हम, 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी बॉडी की, और किलोमीटर पर आर में क्या होगी, इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आर। अगर वो बॉडी जो है वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने में, 5 आर्स में करती है, तो डिस्टेंस कितना है, पहले तो किलोमीटर पर आर में ही निकालते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है 40 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 5 आर, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम, अभी बताया था ना। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40, और टाइम कितना दिया हुआ है 5, तो 40/5 किलोमीटर पर आर, मतलब 8 किलोमीटर पर आर, क्योंकि 5 × 8 = 40 होता है। तो ये तो आई किलोमीटर पर आर में। अब मीटर पर सेकंड में करना तो क्या करोगे, या तो सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 80 किलोमीटर को पहले चेंज करो, 40 किलोमीटर को चेंज करो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 40 × 1000 40,000 मीटर आ गया, और 5 आवर्स को सेकंड में करना है तो 5 × 60 मिनट के लिए, और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे सेकंड के लिए, तो स्पीड क्या आ गई, 40,000 बाय में 5 × 60 × 60 दैट इज 2.22 मीटर पर सेकंड। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि जो हमारे पास आई 8 किलोमीटर पर आर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, ओके, तो भी आंसर देखना क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि पहले ही हमने कन्वर्जन फैक्टर में इसको कन्वर्ट करके देख लिया कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि वहां पे हमने कन्वर्ट किया था किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड में, 60 × 60। आई होप यू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड। ओके, थैंक यू।